पेश है गुड मॉर्निंग जेएनके। सुबह बखैर नाजीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के किस अज किस शुमारस मज तो सारे वन वाले इस्तकबाल तो खैर मकदम। उम्मीद यही कि तुम सारी ऐसी सेहत सान, सलामत सान, खैर ताफियत सान, तो बे दुआ रबुल आलमीन सिंदिस बारगाहस मज रबुल मशरकैन व मगरबैन चुके असिन हर तरफ रहमत जारी तो सारी। नाजीन, यह प्रोग्राम अक्स यानी गुड मॉर्निंग जे एन के अक्स सान तहजीब, सान समाज, तो सान तमदन। तो यथ मज नाजरीन यम प्रोग्राम यम समाज अक नकल, तो तुम असल अमुक शकल, तो तुम वजूद तो रूह। नाजरीन आवाज तो अल्फाज, तो तुम मफहूम इन चीजन यथ अल्फाजन तो मफहूमन, यथ शकल तो यथ वजूदस तो यथ नकलस यथ असलस मज बाग खूबसूरत ता गैर मामूली रिश्त पान वन। तो यह गैर मामूली रिश्त जहूर तो इजहार हर दो सुबह 8 बजे पे 9 बजन तमाम यमि प्रोग्राम जरिए यथ नाव गुड मॉर्निंग जे एन के। यह प्रोग्राम पेश ग तुहदन टी वी स्क्रीन पे अमे बावजूद तुम प्रोग्राम पेश ग सी डी डी कशीर यूट्यूब चैनल से तथ पे लाइव स्ट्रीम ग अजक ये प्रोग्राम में शरफ मेजबानी हासिल अस बनियाज बट तो मे स इमरान बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। इमरान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग जे एंड के का एक और शुमारा। जैसा कि नियाज ने इब्तिदा में बताया कि आज भी हमारे साथ एक मेहमान होंगे, लेकिन मेहमान से थोड़ी देर के बाद मुलाकात करेंगे। नियाज भाई, जैसा कि प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से ही पहले हम अपडेट शामिल करेंगे, और दोस्तों को पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन के हवाले से एक बात है कि आज 17 मई है और ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। जी हाँ, 1865 को ये आगाज 1865 को एक कन्वेंशन साइन हुआ था, इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन पैरिस में साइन हुआ था, और 1969 में ये फिर सिलसिला शुरू हो गया था। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के तौर पर ये मनाया जाता है 1969 से। मौसमी सूरतहाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि मौसमी सूरतहाल कुछ इस तरह है। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री रहेगा और मिनिमम जो है वो 14 डिग्री रहने के इम्कान है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री यानी कि 43 डिग्री और मिनिमम जो है वो 24 डिग्री रहेगा। ट्रैफिक के ताल्लुक से मैं आपको जानकारी दूँ। जी हाँ, सबसे पहले नेशनल हाईवे की बात। नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो श्रीनगर से जम्मू आ सकती है। एसएसजी रोड की बात करें तो एसएसजी रोड जो है वो दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है। बड़ी गाड़ियां भी दोनों अतराफ से चलेंगी, लेकिन टाइमिंग है यानी कि 6 बजे से मॉर्निंग 6 बजे से 10 बजे तक सोनमर्ग से करगिल गाड़ियां जा सकती है, और शाम के 4 बजे से 6 बजे तक गाड़ियां जो है वो करगिल से श्रीनगर की तरफ आ सकती हैं। जी नियाज भाई, ये मौसमी और ट्रैफिक के हवाले से हमने जानकारी दी थी, लेकिन नाजरीन को ये भी बताएंगे कि जब आप सफर के लिए निकलेंगे नेशनल हाईवे पे तो हमारे स्क्रीन पे नंबरात है, आप ये नंबरात नोट करें, और ये नंबरात जो है ये आपको मतलब बहुत जरूरी है अगर आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो इन नंबरात पे कॉल करके लेटेस्ट अपडेट हासिल करें। नियाज भाई, ये ट्रैफिक के हवाले से हमने जानकारी अपने दोस्तों को दे दी।
आज मौसम मतलब खुशगवार सुहाना है, है, अच्छा है, खुशगवार है, बिल्कुल। और लोग जो है वो सैरो तफरी के लिए जाते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड हमें एक बात पता चली है कि आप भी करगिल गए थे। क्या वो तफरीही दौरा था या ऑफिशियल, वो तो आप ही बताएंगे, नहीं, लेकिन मैं तफरी ये जानना चाहूंगा कि कैसा रहा नहीं, ओवरऑल। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। लेकिन जो आप मौसम की बात कर रहे थे और सड़क की बात कर रहे थे, तो जो अपने SSG रोड की टाइमिंग्स बताई थी, तो मेरे जहन में नाजीन एक बात चल रही थी कि इस दौरान जब भी आप जाएं, ज़रूर और ज़रूर अपने साथ कुछ खाने पीने का या पानी बिल्कुल का ऐसा सामान, चूंकि जब अपडेट्स आए थे हमने भी ट्रैफिक मालूम किया, तो उसके बाद हमने यूट्यूब या ये सॉरी ये फेसबुक वगैरह और ट्विटर हैंडल पे देखा, तो जो न्यूज़ेस आई थी तो उसको फॉलो करके ही हम चले। लेकिन जूँ ही हम बालतल पहुँचे तो अचानक से एक पस्सी गिराई, वो तो 2-3 घंटे का हॉल्ट वहाँ रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि लकेट लकेट इम चीज़, इम चिप्स, बिस्किट या त्रेश वगैरह कितना इम्पोर्टेंट चीज़ राइट तुलन सू तुथ अलाक आसान ये जितना पत पोथ फेर नश तो जायश आसान नाजरीन कहें त। इसलिए यह ज़रूरी कि यम आजकल इस मीडिया या यम पब्लिक साइट्स या यम सारी साइट्स फेसबुक ट्विटर हैंडल इन पे गए कंटिन्यूसली अख नज़र थवि बिल्कुल यिंद असरात सठा ठीक तम हालांकि दर हालांकि कह प्रॉज तह कॉन्स तसान कह इंफॉर्मेशन ठीक आसान, मगर मे गई सबित मे खर गई साइट सबित सठा फायदेमंद यु ये पता चलो कि हेरी पस आम सोनमर्गे पे थोड़ा इंतजाम से तुलो कह सामान खनुक चनुक सत्य। मगर एक चीज़ और ये है कि इमरान की जो आप मीडिया के हवाले से भी बात कर रहे थे, तमें पत वो मे जन साइटन पे पता चलान कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या रोडस, मगर वाली खबर तम मुस्तंद आसान कह ट्रू, मतलब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है कि एक तो अपडेट्स देते रहते हैं, जैसा कि हमने अपडेट दे दिया, लेकिन साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि आप नंबर नोट करें और जब भी आप ट्रैवल के लिए जाएंगे तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इनसे कॉल करें। तो यहाँ पे अजुक मीडिया अक्सर लूख आजकल सोशल नेटवर्किंग साइटन पे ही वुछान कि क्या बिल्कुल अपडेट या क्या खबर, मगर अत पे जरूरी नाजरीन ये नजर थविन कि करो तहकीक तिमन खबरन, अगर तिम खबर शेयर करो या अख जर्नलिज्म क्रिएट गुमत कि हर कह पन अख कैमरा अख ट्रू लोकुट क्या फोनस मन माइक तो कैमरा फोन तुलान पत कह अपडेट्स करान सहस इज्जतस कुन वि जरर वातान ये पता कर ब्रोह कि असल वजू क्या असल माखज अमि कथि सुमा बदल बाज वक्त वे कि स्कूल टीचर कहें स्टूडेंटन की एक्टिविटीज करना तमुक अख हिस्स वन नाजरीन कि क्या तिमन गर्ज क्या तस टीचरस आने तेस मा यह गर्ज कि सह हे अमिस लाइफ स्किल्स तो राइट कंटिन्यूस ट्रॉलिंग वगैरह गर्ज यो नाजरीन जी हिस्स शहरी बनो बाशऊर शहरी बनो तो ये अगर इस मीडिया सत वस्तगी अगर वे कोशिश करान गो जर्नलिज्म करो तहकीक असल पे तिमन खबरन यम अस इदार ये वजूदस मज बिलखसूस कश्मीर यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी तमो बिल्कुल कह इदार कम कर तमन इदारन हदूद या कयूद जब्त या नज्म जब्त तम वो तम क्या तम तहकीक इथे कन रायगा कर बिल्कुल वो तो करो तमन चीजन पे थो नजर तम उस्ताद तम रिसर्चर तमो सठा मेहनत आसान कर्म पत मेहनत तम एक्स नतीजस पे वमित तो पत लाह अमल तैयार आसान कोर्मुत। खैर अस कर कथ सठा कि बिल्कुल आज हाँ, क्या डल या कह प्रोग्राम सौगाता कर पेश दस्तूरी किन्ना इब्तदास मज तमहीद मसान दोस्तन खतर क्या डल आज बिल्कुल तक लुक बतुक इंतखब कर्मुत अब्दुल रशीद हाफिज तो गुलजार अहमद गनाई सिंद आवाज मज लुक बत तुम तो वो अस तुम तो महजूज ग हार नहीं थोना सी सुंदर बदन विषय यार आसमान बाबा आलती यार आसमान यार दो नाम जालान को तुमन विषय यार आसमान आलती यार आसमान दरोजी गजली मन को काशकन निकल कौन जातन निकाले पान
لالک پان زاتن لال کو دکرا گرا مت سال شانن نشی یا تل لتی یار ہے یار دو نار پت سالان پوتوان نشی یا رسوان تل لتی یار رسوان لال کو دکرا گرا مت سال شانن رحمت شبن پیو من سدرس ول مز روٹ صدفن رحمت شبن پیو من سدرس رحمت شبنا ول مز روٹ صدفن رحمت شبنا ول مز روٹ صدفن وار کی گوری لال کول ڈنگلن وسیے یار سمان لے لتی یار سمان یار سالان پوٹمن بوار کی سونی لال پول ڈنگل کسی یار گلاب سیت ناگت چستن شاہی یوسف تنن تنن اترے گلاب سیت ناگت چستن شاہی یوسف تنن اترے گلاب سیت ناگت چستن شاہی یوسف تنن تنن اترے گلاب سیت ناگت چستن شاہی ایلی بل پول تاو ایلی میلی تین تارا نسی ایا رسوان تل لتی ایا رسوان یار دو دار پر زالان پوتوان نسی ایا رسوان تل لتی ایا رسوان ایلی بل پول تاو ایلی میلی تین تارا چائی قرار کور سائیں میں دیئے تہ چائی نور ساون یا چائی قرار کور سائیں میں دیئے تہ چائی نور ساون یا چائی قرار کور سائیں میں دیئے تہ چائی نور ساون یا چائی قرار کور سائیں میں دیئے تہ چائی نور شاہی قصدی وش پی کاجن نسی یا رسول آلتی یا رسول یادو نال جالان کوتوان نسی یا رسول آلتی یا رسول تن شاہی قصدی وش پی کاجن نسی یا رسول دور چھوال یاری مدین لائن پور چھس یک راو دور چھوال یاری مدین لائن پور چھس یک راو دل چھپا لیا یہ بیٹی لایا
چلو یار من سخن در نسیه یار است ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم یہ لک بت پتہ چھ بیے اک لٹ تہ خیر مقدم عبدالرشید حافظ صاحب تو گلزار احمد غنائی صاحب نے آواز مز وچھو تو یہ لک بت تو دوستو یہاں پر جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بتا دیا کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان سے ملاقات کرائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے بریک کے اس پار لوٹتے ہیں مہمان کے ساتھ واجو ناور جیولری دکان یور جیولرز دا پرائڈ آف شہری خاص یہ ملاوٹ ورائی سون بہترین ڈیزائنن مز دستیاب چھو خاص کر مناسب قیمتس پہ تشریف انیو یور جیولرز کاج کدل سراف کدل نالیما روڈ سری نگر سیل نمبر 9541176450 ناظرین تو شوشا پروگرام گڈ مارننگ جین کے چونکہ اس کور گڑے آج کے ونچ وقت مہمان اسد ملاقات یہ مہمان گاہے قلمکار آسان گاہے عالم آسان گاہے فضل آسان گاہے استاد آسان گاہے کارخاندار آسان غرضی کہ اس چھ ہر طبقچ عکاسی کرنچ کوشش کرن تو یہ مہمان یور یت چھ سانی اس یہ مجلس چھ سانی اس سٹوڈیو چھ یہ چھ مزین گسان اشوب لاگان یم چھ سانی یت ماجی کشیر ہند تمن مخت مالن ہند تم مخت یمو اس شوب ہمیشہ لجمس تو سن کوشش یہ روزان کہ اس انوک یم سال یور سال انت کسو یمن ست ہم کلام تا ہم کلام گسیت ہچو اس تہ تو تہ ناظرین کہنت کہ آز یم مہمان یمو سن یہ مجلس مزین کرمت چھ ڈاکٹر سعید افشانہ ایسوسیٹ پروفیسر ایم ای آر سی کشمیر یونیورسٹی آپ کا بہت بہت خیر مقدم آج کے اس پروگرام میں آپ رقم الفرصت ہونے کے باوجود بھی یہاں تشریف آور ہوئے تو چونکہ تمہید میں جو ہماری روایت ہے کہ آپ سے آپ کا ذاتی تعارف جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کی حضور میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کل اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آج آپ مہمان ہیں تو جو اکثر ہمارے یہاں اینکر حضرات ہیں کہ ان کی یہ چاہت تھی کہ آج ہم ہی پروگرام کریں اس میں ناظمہ جی ہے عمران بھی آپ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اقرا بھی آپ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم ہی کریں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ شرف مجھے حاصل ہو چکا ہے تو تمہید میں یہی گزارش رہے گی کہ آپ اپنا ذاتی تعارف تعلیم تربیت تاسیس وغیرہ کیسے شروع کی اور جو سفر نامہ ایسوسیٹ پروفیسر میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کشمیر یونیورسٹی تک کا کیا سفر رہا آپ کا جی پہلے بہت بہت شکریہ ٹو انوائٹ می اوور ہیئر اور اس سے زیادہ کیا خوشی ہے کہ میری اسٹوڈنٹس کافی انتھوزیاسٹک ہے کہ مجھ سے بات کریں تو اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ایک استاد کے لیے اور رہی میرے سفر کی بات جو میری اکیڈمی جرنی ہے کافی مطلب ایک عرصہ گزرا ہے آئی جوائنڈ یونیورسٹی ایز اے پی جی اسٹوڈنٹ 1999 تو اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا لیکن سب سے بڑا یہ تھا کہ میں ایک سائنس گریجویٹ تھی آئی واز اے سائنس گریجویٹ اور سائنس گریجویٹ کے بعد جب یونیورسٹی آنے کا ارادہ کیا تو گھر پہ یہ تھا کہ آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہے تو آپ پوسٹ گریجویشن بھی اسی میں کریں گے لیکن اس وقت ایک ڈیسیجن لینا پڑا جو کہ اس وقت لگتا تھا کافی رسکی ہے اور میں نے شفٹ کیا سوشل سائنس کی طرف اور میں نے ماس کمیونیکیشن میں انٹرنس ایگزامینیشن دیا ان دنوں دو تین اس کے پارٹس ہوا کرتے تھے وہ میں نے کوالیفائی کیے اور میرا ایگزام میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا لیکن ساتھ ہی میں نے زولوجی میں بھی دیا تھا انٹرنس ایگزامینیشن اور باٹنی میں اور زولوجی میں میری سلیکشن ہوئی تھی تو اس وقت ایک ڈیسیجن لینا تھا کہ کیا میں زولوجی میں جاؤں یا ماس کہاں جائے تو گھر پہ بھی کافی زیادہ اس پہ بحث ہوئی لیکن ایونچولی آئی جوائن ماس کمیونیکیشن جرنلزم یہ ایک شفٹ تھا پتا نہیں تھا آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک سائنس اسٹوڈنٹ کا سوشل سائنس بیک گراؤنڈ میں آنا اور ان دنوں ابھی یہاں پہ ماس کمیونیکیشن جرنلزم کا اتنا زیادہ ایک براڈ بیس نہیں تھا تو ایک رسک ہی تھا کہ پی جی کرنے کے بعد میں کیا کروں گی لیکن شاید اس وقت یہ بھی دماغ میں تھا کہ آئی ول جوائن دا ایکٹیو جرنلزم
मैं एक्टिव जर्नलिज्म में जाऊंगी, फील्ड में काम करूंगी, लेकिन हुआ ये कि जो कि शायद सोचा नहीं था, जब मैं पीजी कर रही थी तो उन्हीं दिनों विद इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नेट क्वालिफाई किया. अभी मेरे फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए थे और मेरा नेट क्वालिफाई हुआ. तो नेट क्वालिफाई होने का मतलब ये इंडिकेशन थी कि अब मुझे एकेडमिक्स में जाना है. सो उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड विद इन अ ईयर्स टाइम, एक ही साल मैं यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से बाहर थी, लेकिन मैं एक और डिपार्टमेंट में एज ए रिसर्च असिस्टेंट अपॉइंट हुई एंड दैट वाज स्टेट रिसोर्स सेंटर, जो कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में काम करते हैं. तो वहाँ मेरा कुछ सात आठ महीने मैं वहाँ रही और इन द मीन वाइल एक पोस्ट एडवर्टाइज हुआ, लेक्चरर पोस्ट मेरे ही डिपार्टमेंट में, और लीस्ट होपफुल कि मैं सिलेक्ट हो, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम हुआ था, मैं बहुत फ्रेश यूता तो उसने के मैं उस बासान के शायद यूता जल्दी कहते गैसी, और मैं इग्नो में पढ़ाती थी इसी दौरान. एक तो मैं SRC में भी थी एज ए रिसर्च असिस्टेंट, और मैं इग्नो में वहाँ PG डिप्लोमा होता है मास कम्युनिकेशन का, वहाँ मैं सैटरडे संडेज क्लासेस लेती थी. दैट वॉज द ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैड. तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू फेस किया एंड विद इन वन ईयर्स टाइम वॉज बैक इन द डिपार्टमेंट एज ए टीचर. तो एक क्विक ट्रांजिशन हुआ स्टूडेंट से टीचर. एक साल पहले मैं उन बेंचेस पे बैठती थी और वहां से सुनती थी, और एक साल के बाद आई वॉज ऑन सुनाते थे. फिर वो एक ट्रांजिशन हुआ. तो उसके बाद बहुत सारे मरहले हुए. इमिडिएटली ये हुआ कि विद इन अगेन विद इन फ्यू मंथ्स मुझे एक फेलोशिप मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के. आई वॉज अ विजिटिंग फेलो फॉर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहाँ चार महीने मैंने दिए. अभी प्रोबेशन का थोड़ा ही टाइम कम हुआ था और मैं चली गई कैम्ब्रिज एंड वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में मैं थी, और मैंने क्राइसिस कम्युनिकेशन पे वहाँ काम किया. उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती रही, मैं बहुत जगहों पर जाती रही, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज एंड टीचिंग, कॉन्फ्रेंसेज रिसर्च टीचिंग ये चलता रहा. एंड और बहुत सारे हमारे स्टेजेस होते हैं जहां हमें फिर प्रूव करना होता है कि हम नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो वो भी होता रहा. वो एक पर्सनल ग्रोथ जो है उसको एसेस भी किया जाता है. एंड विद इन दिस स्पैन ऑफ सम 15-16 ईयर्स आई एम नाउ एन एसोसिएट प्रोफेसर. मैम आप प्रोफेसर आप हैं माशाल्लाह, और हमने आपके पास पढ़ा है, हम स्टूडेंट रह चुके हैं आपके. अब जिस डिपार्टमेंट में आप हैं MERC डिपार्टमेंट में, मास कम्युनिकेशंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अब डिग्री होती है और स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करते हैं, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में किस तरह का खास इंतजाम है स्टूडेंट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर हो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़? जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. MERC जो है मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर, जो कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की डिग्री देता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, और हम PhD हमारा रिसर्च प्रोग्राम है, ये सबसे पुराना डिपार्टमेंट है. यानी आप ये समझिए ये एक फाउंडिंग डिपार्टमेंट है, और लेट 1980s में ये एस्टैब्लिश हुआ था. सबसे हमारा, मैं ये कहूँगी कि हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हमारे डिपार्टमेंट से जो लोग निकले आज वो मेजॉरिटी में जो मीडिया है कश्मीर में उसको हैंडल कर रहे हैं. तो वो एक प्रोफेशनलिज्म जो था, जो पहले बहुत मिसिंग था, कि जो नॉन प्रोफेशनल्स थे जिनको मास कम्युनिकेशन की एक डिग्री नहीं हुआ करती थी, वो सारा मैन करते थे, वो हैंडल करते थे, वो इनफैक्ट कंट्रोल किया करते थे. लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से जो पास आउट्स निकले उन्होंने धीरे धीरे, अब एक ऐसा टाइम है कि मेजर चैनल्स, मेजर न्यूज़पेपर्स या जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं. वो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक साइलेंट कंट्रीब्यूशन है. दूसरा ये है कि जो इसके बाद बहुत सारे अब कॉलेजेस में भी मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, एक दो यूनिवर्सिटीज में ये डिपार्टमेंट जो है, ये सब्जेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है. दे आर स्टिल इन इन्फेंसी. हमारे यहाँ ये है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस पे, वी आर बैंकिंग ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, कि
हमें टाइम के साथ चलना है. एक टाइम था जब आप ज्यादा प्रिंट जर्नलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस देते रहते थे काफी ज्यादा. नाउ इट्स द एज ऑफ मल्टीमीडिया. अब आप कन्वर्जेंट जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं विद इन दोज लिमिटेड रिसोर्सेज कोशिश ये रहती है कि वी कैन गिव एटलीस्ट जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम बच्चों को दे दें ताकि वो एक ऐसी डिग्री लेके बाहर निकले कि वो मार्केट में एम्प्लॉयबल बने. तो हाँ मार्केट में जो आजकल जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो उनमें वो सारी सलाहियतें हो वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन हो. आजकल को जो है कन्वर्जेंट जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं जिसे हम मल्टी मीडिया जर्नलिज्म कहते हैं तो इसमें ये है कि आप मल्टी स्किल्ड होने चाहिए. आप में एक मल्टी टास्किंग का एक सेपरेट होना चाहिए. वो काम जो एक जर्नलिस्ट बहुत पहले सिर्फ प्रिंट के लिए करता था या टेलीविजन के लिए करता था विद द स्पेशलाइजेशन ऑन इन टेलीविजन और रेडियो और इन प्रिंट, आज वो ये सब कर रहा है. और सिर्फ इतना नहीं, ही शुड बी टेक्निकली ऑल्सो वेरी साउंड. आप देखिए आज हम कहाँ पहुंचे, आज हम मोजो पे पहुंचे. मोजो इज अ मोबाइल जर्नलिज्म. आपका जो स्मार्टफोन है ये आपका कैमरा भी है, ये माइक भी है, इसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी है. तो आप एक वॉकिंग जर्नलिस्ट है और आप इसी मोबाइल से शूट भी कर रहे हैं. वो एक जमाना था कि जब कहीं कुछ हो जाता था और आपका जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ओबी वैन देता था, आप के पास एक कैमरामैन होता था, एक एडिटर होता था, तो एक पूरा एक टीम होता था उस न्यूज को कवर करने के लिए. लेकिन आप देखिए कि मिनिएचराइजेशन भी इतनी हो गई है कि एक छोटा सा स्मार्टफोन लेके जो रिपोर्टर है वो जाता है, खुद ही शूट करता है, खुद ही कहीं भी जाता है और इवन ही कैन वर्क फ्रॉम एनी प्लेस, अपने लैपटॉप पे बैठ के किसी भी जगह. अब उसको ऑफिस रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, एक फिजिकल स्पेस जो है वो भी कम होती जा रही है. सो ये एक 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 बहुत बड़ा एक शिफ्ट और इसको हम कहते हैं कि द होल थिंग हैज टर्न इनटू इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज. लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जिस चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज कह रहे हैं शायद ये इलेक्ट्रॉनिक केज बन रहा है क्योंकि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं. और विद द रिजल्ट ये भी हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज की वजह से जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं जो कि असल में मास कम्युनिकेशन की फॉर्मली उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है लेकिन वो भी कर रहे हैं जर्नलिज्म और जिसे हम सिटीजन जर्नलिज्म कह रहे हैं. और सिटीजन जर्नलिज्म ये है कि कोई भी बंदा जिसके पास एक स्मार्टफोन है और ऑनलाइन उसका एक कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, ही इज कैपेबल टू रिपोर्ट फ्रॉम एनी प्लेस. और वो हो रहा है. और सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज जो है उबर रहा है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए क्योंकि बहुत सारी न्यूज जो कि ब्रेक होती है अब वो सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो ब्रेक करें बिकॉज दे आर ऑन द स्पॉट. कहीं कुछ हादसा हुआ, कहीं कोई इवेंट है तो आपका जो सिटीजन है जो एक आम शहरी है जिसको ये स्किल है कि उसको फोन चलाना आता है और उसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो कुछ भी उठा के वीडियो उठा के कुछ भी फोटोग्राफ्स उठा के या ब्लॉग लिखेगा या वीडियो अपलोड करेगा या अपने सोशल मीडिया किसी अकाउंट में वो सारा शेयर करेगा. सो ही इज द फर्स्ट वन टू ब्रेक द न्यूज जबकि बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अभी बाहर पहुंची नहीं होती है. सो द होल थिंग इज गेटिंग क्वाइट चेंज. सारा लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है. तो हमारे डिपार्टमेंट का इस सारे चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में ये रोल है कि हम बच्चों को साइकोलॉजिकली भी इसके लिए ट्रेन करें और जो टेक्निकल हमारा इनपुट है उसमें भी उनको ट्रेन करें बिल्कुल. लेकिन ये जो चैलेंज आजकल हो रही है जो आपने फरमाया कि सिटीजन जर्नलिज्म वगैरह, क्या इसके क्या असरात है? जी, सिटीजन जर्नलिज्म के बहुत सारे मतलब एक मेरिट्स डिमेरिट्स काफी है लेकिन मैं एज अ पर्सन रिसर्च फेलो मैं ये कहूंगी कि इसमें हमारे लिए हम जो इस मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा एक चैलेंज है. एक ऐसा टाइम है कि हमें वी हैव टू लुक आउट फॉर आवर सर्वाइवल. अभी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो भी वही टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सिटीजन जर्नलिस्ट इस्तेमाल करते हैं. वो कैसे क्राउड सोर्सिंग करते हैं. एक टाइम था कि जब आप किसी स्टोरी पे काम करते थे आप सोर्सेज से मिलते थे, आप उनको कल्टिवेट करते थे, आप उनको तहकीक करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे. लेकिन जो अब सिटीजन जर्नलिज्म की वजह ये हो गई कि आप ये बिलीव करते हैं कि वी शुड बी द फर्स्ट वन इवन इफ यू आर द रॉन्ग. आपको ब्रेक करना है स्पीड पे काफी ज्यादा
stress it. Not on accuracy, the quality. No. Accuracy, factuality has taken a back seat. Mustanad aasya ya na aasya. Na aasya tushin es vichan. Stism journalism chu daba bugusuz gwanyuk aasun. Is bu yumanak bu ban audiences ki yugo. Ya bugusuz gwanyuk su nafar aasun ya main Facebook page, main YouTube channel yu chi. Ziyad vichni yin wagara fame gashmi. Exactly. Tas ma shus element te aasan. Beishim usually aasan more into activism form as maz. Stism journalism chu. While it's professional journalism as much as I say, you have to take a lot of responsibility. A code of ethics chu asan, you follow chu asan karun. Ta shu accuracy check karun, ta shu cross verification karun, ta shu confirm, reconfirm karun. Ye bu audiences ta and panu content chu Pata mi asraat vichin, ami kya asraat pe, mi chai news yin viz break karun. Becha su baqai tu ta credible ta, sit ma gais kaisi damage. Nishin noxan, nishin ezraat, nishin dizuz. Ta yu korbu initially isu te amu te likwana. कि ये इस कारण चे इस चुबुचुन के इस क्या चे शेयर करा एम्स रिस्पांसिबिलिटी एम्स इस मावादी को इसे ज़रूर आपकी इस तसल्लुक को यहाँ रोकने के लिए मैं माजरत का हूँ हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेना चाहेंगे हम तो ब्रेक के बाद ज़रूर हम इसी इस मौजू पर बात करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का मिलेंगे थोड़ी देर बाद मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले एक साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है, उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरवल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार मंगलवार और बुधवार को IVF का खसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वादी का नामवर ज्वेलरी शॉप यू आर ज्वेलर्स द प्राइड ऑफ शहरी खास, जहां पर प्योर गोल्ड लेटेस्ट डिजाइनिंग गोल्ड सेट्स जेन्युइन कीमत पर दस्तियाब है। तशरीफ लाइए यू आर ज्वेलर्स काजी कदर सराफ कदर नालेमर और श्रीनगर, सेल नंबर 9541176450। हमेशा ख्याल रानी ऐसे कुर्थ एमिस वैक्सीन वैक्सीन तो क्या है ब्रोसिलोसिस बीमार निश बचन बापत मे हे बूज ये खतरनाक बीमार ये कसाना बीमार ये हेकी ऐसे डॉक्टर सब बात कर डॉक्टर सब मे ग बचस ब्रोसिलोसिस खतर वैक्सीन यानी टिक लगा मगर ऐसे खबर जी ये क्या छु ना ना ब्रुसेलोसिस से पजी आ खतरनाक बीमार यम सित ग अडलुक छु गसित हकान एमक मतलब गो अगर जानी ग ये बीमार लज तेमिस हेकन बच जेवित एमे अलाव हे कि इंसानन मंस ते फुलित के हस छु कवना ते कित पट बीमार ग हिन दो चन सित बीमार ग नजदीक शाह खालन वालन सित ग हिन प्लासेंटा गलत तरीक संभालन सित मगर एमनिश हेकियो तुई ते तुहस गाव आसानी सान महफूज बनेवित सिर्फ एक टीक लगावन सित भारत सरकारन छु मिशन आरोग्य पुष्पवस तहत ये वाद कोरमुत जे प्रथ वेजी ब्रुक्सलोसिस टीक लगावन यमे पत जानवर सी आख पहचान टैग ती लगावन यम सीत ये नैन जे तुंज जानवर छु ब्रुसेलोसिस टीक गोड़े लगावन आमुत एमे अलाव गसे ये बेमर यिन वालन पांचन वरियन मस खत्म वाह तेल पकवा ब्रो वैक्सीन लगाओ नो में मेते मां गसी मित से क्या एमिस गस्त में पजी किया मगर बाकी गम गामस क्या बनी ब्रुसेलोसिस छा खतरनाक बीमारी यम सी तुंज गावे इस्तेकाती हमल हेकी गसित हिफाजत ब्रुसेलोसिस नश बचान पाई तय इस्तेदा जि तु लगो पन्न जानवर ब्रुसेलोसिस बाप टीक ये तु नोत नंद पे वात प्रेत अकि शेच जि तम त लगावन पन्न वसन ब्रुसेलोसिस टीक यम कथुन थेजल ध्यान जि ये टीक गसि नव सचन सत लगावन युन वलि पकव खुशहाल पगोस कुम ब्रुसेलोसिस आख टीक बलई सारनी
वेलकम बैक एक बार फिर आपका खैर मकदम आपके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के में और हमारे साथ आज के मेहमान डॉक्टर सैयद अफशाना एसोसिएट प्रोफेसर MERC डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर हेडलाइंस की बारी सुर्खियाँ शामिल करेंगे नियाज भाई। सबसे पहले मेरे पास अंग्रेजी अखबार है, इसमें एक सुर्खी है LG सिन्हा मीट्स राजनाथ सिंह, BRO टू ईज ट्रैक फॉर अमरनाथ यात्रा, होम मिनिस्टर शाह टू चेयर की सिक्योरिटी मीटिंग ऑन J&K टुडे। जी मेरे पास भी अंग्रेजी अखबार है, इससे हम दो खबरें लेनी चाहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र इनॉग्रेट्स रीजनल कॉन्फ्रेंस एट SKICC। एक और खबर इसी अखबार से, जम्मू एंड कश्मीर रिफॉर्म हैव बॉट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एट पार विद द प्रोग्रेसिव सिस्टम। जी मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसमें सुर्खी है इंतजामी इस्लाहात से शहरियों और हुकूमत में कुर्बत, श्रीनगर में दो रोजा इलाकाई कॉन्फ्रेंस शुरू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिता, 12 रियासतों और UTs के 300 मदोबीन की शिरकत। एक और अखबार मेरे पास है, यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरा का होगा इस्तेमाल, 12,000 फौजियों की तैनाती की गई, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए DGC RPF कश्मीर आए। मेरे पास एक और उर्दू रोजनामा है, इसमें सुर्खी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की नई दिल्ली में वजीरी दिफा राजनाथ सिंह के साथ अहम मुलाकात, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान, सलामती सूरत हाल, सालाना अमरनाथ यात्रा, पंडितों की सिक्योरिटी और तामीर तरक्की के अमल पर तबादला ख्याल। इसी रोजनामे में एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर नई दिल्ली में सलाह मशवरा, वजीर दाखिला की सदारत में आज होगी आला सतह मीटिंग। जी मेरे पास अंग्रेजी अखबार है, हीट वेव्स फ्लड्स and heavy rains, India battling the climate change and it's getting worse, warn experts. जी मेरे पास एक और उर्दू रोजनामा है, इसमें सुर्खी है चीन अरुणाचल सरहद पर देहात की तामीर में मसरूफ, भारत मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, मशरकी कमान के सरबराह का बयान। जी एक और अखबार आखिरी अखबार है, नीलनाग गोगज पत्थर सरकार की नजरों से ओझल, सयाहों को मुश्किल होती है, तामीर तरकी के काम के लिए फंड्स वागुजार नहीं हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सैयदा अफशाना, अगर हम तहकीक उस रिसर्च गसान अत फील्डस मे तमि हवाल अगर इस कात करो, ये तहकीक कमि आई से गसान, अमी क्या अनवान चु आसान, ये तहकीक मीडिया रिसर्च क्या तहकीक चु आसान। जी एज ए फैकल्टी मेंबर वन में कि उस रिसर्च आसान ताचे जित्र कंपोनेंट्स आसान, अगर यूनिवर्सिटी हिस कात में कात एकेडमिक डिपार्टमेंट छु गोनेत करानी कि उस सुपरविजन छु आसान रिसर्च स्कॉलर हुन PhD स्कॉलर हुन, सो एज ए सुपरवाइजर आई हैव टू सुपरवाइज माय स्कॉलर्स और मुझे देखना है कि वो किन किन एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ रह के उनको गाइड करना है, वो एक कॉम्पोनेंट है। राइट नाउ मेरे अंडर मोर देन 8 स्कॉलर जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी डिफरेंट एरियाज है, जैसे थर्ड सिनेमा इन कश्मीर जो है उस पर बात हो रही है, इस वक्त रिसर्च हो रहा है, ग्राफिक नॉवल्स पे एक बच्ची जो है वो रिसर्च कर रही है, और जो द कंस्ट्रक्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है उस पर बात हो रही है, और बहुत सारे और भी कुछ इश्यूज है जिस पर बात हो रही है। वो एक कॉम्पोनेंट है कि आप कॉन्टिन्यूसली 2-3 साल एक स्कॉलर के साथ रहते हैं और उनको गाइड करते हैं और उनको डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं, दैट्स वन। द अदर इज रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, कहाँ कहाँ आप जाते हैं, आपका एक्सटेंशन एक्टिविटी कितनी है, तो उसमें भी ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं, 2-3 प्रोजेक्ट जो है काफी उनका मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक प्रोजेक्ट था जो कि नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जरिए से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की उनका स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट था जो कि इट वॉज अबाउट कंटेक्चुअलाइजिंग रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रूरल यूथ, जो रूरल यूथ है उनका क्या कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, और मीडिया के वजह से क्या उस कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आई है, या वो मीडिया कहीं पे फ्रेम करता है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें हमने लिया था खान साहब का ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, एंड वी वेंट देयर एंड वी इंटरैक्टेड विद मोर देन 200 स्टूडेंट्स जो कि +2 लेवल के थे, उनसे हमने 2 टेक्निक्स के जरिए से बात की, एक तो फोकस ग्रुप डिस्कशन हमने उनके साथ किया
جس پہ آپ ان کو کوئی تھیم دیتے کہ ڈیولپمنٹ آپ کے لیے کیا ہے وہ بات کرتے ایک چھوٹا سا گروپ ڈفرینٹ گروپ سم فوکس گروپ ڈسکشن کرتے دوسرا جو ہے وہ ہے ہم ایک ریپرائزل ایک ٹیکنیک ہے پارٹیسپیٹری ریپرائزل ایک کرتے ہیں اپروچ ہوتا ہے پارٹیسپیٹری ریپرائزل اپروچ پی آر اے جسے ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سب سے جب ملتے ہیں آپ انہی کو بولنے کا موقع دیتے ہیں آپ صرف ایک آئیڈیا دیتے ہیں ان کو پھر اس آئیڈیا کو وہ کیسے کنسیو کرتے اس کے بارے میں وہ کیسے بات کرتے آپ کی جو ہے رول ہوتا ہے ایز اے اسپیکٹیٹر آپ آبزرو کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اس سارے ٹیکنیک کو اس کو پی آر اے ٹیکنیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کا کافی دخل عمل تھا وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ کافی زیادہ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں وہ یوٹیوب بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ان کے کانسیپٹس کیا ہے ان کا کیا ایک رجحان ہے کہ ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ ہم چونکہ میڈیا کا ایک حصہ ہے تو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں تو ہم نے ایک سیگمنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے شروع کیا ہوگا حال ہی میں شروع کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ یہ سیگمنٹ آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ ایجوکیشن کا ایک سیگمنٹ ہے وہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ جو تحقیقی کام ہوا ہے مطلب اس کی تھوڑی سی مماثلت ہے اس چیز کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم پیش اسی وقت کریں تو اس کے بعد آپ سے جو یہ بات مقرر رہے گی ناظرین پہلے دیکھتے ہیں یہ گڈ مارننگ ایجوکیشن کا یہ سیگمنٹ گڈ مارننگ السلام علیکم آداب آج کا جو سیگمنٹ میں ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ڈونٹ بی ججمنٹل پہلے ہی فیصلہ مت کیجیے بچوں کو یا ہم خود یہ کہ پہلے پوچھے وائی وائی از مچ مور امپورٹنٹ دین ہاؤ اینڈ واٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے اگر کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہم ٹیکنیکلی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل بھی کیا ہم صحیح ہیں ایک ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا چھ سال کے بچے کو بولا بیٹا میں آپ کو دو مینگوز دوں گا پلس اور دو مینگوز دوں گا تو کتنا ہوتا ہے بچے نے کہا آپ کے پاس کتنے مینگو ہوں گے اس نے کہا پانچ ٹیچر انوائے ہوا بیٹا میں آپ کو بول رہا ہوں دو مینگوز میں آپ کو دوں گا پھر میں آپ کو اور دو مینگوز دوں گا تو آپ کے پاس کتنے مینگو ہوں گے تو بچے نے کہا پانچ ٹیچر کو غصہ آ گیا اس نے کہا چلو اس کی ممی نے اس کو کہا تھا اس کو مینگو پسند نہیں ہے تو اس نے کہا چلو میں کچھ اور پوچھتا ہوں اس نے کہا بیٹا میں اب آپ کو دو ایپلز دوں گا اور دو اور ایپل دوں گا تو آپ کے پاس کتنے ایپلز ہیں بچے نے کہا چار ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے آپ سمجھ میں آ گئے اس کو گنتی سمجھ میں آ گئی پھر بچے نے اس نے کہا سر میں پھر آپ چیک کرتا ہوں بیٹا آپ کو دو مینگوز دوں گا اور دو مینگوز دوں گا تو کتنے مینگوز اس نے کہا پانچ اب دیکھیے ٹیکنیکلی ٹیچر بالکل صحیح بول رہا تھا بیکاز ٹو پلس ٹو از فور مطلب پریکٹیکلی بچہ بھی صحیح بول رہا تھا کیونکہ اس کے پاس آلریڈی ایک مینگو تھی تو ہم بھی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بیٹا کیوں ایسا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک قصہ میں بتاتا ہوں جب ہم یونیورسٹی میں رہتے تھے ہماری پیدائش یونیورسٹی میں ہوئی کیونکہ پاپا وہاں لیکچرر پروفیسر وہیں تھے تو ہم وہاں پہ جب رہتے تھے تو وہاں سے ایک جن دنوں ہم کالج جاتے تھے یونیورسٹی گیٹ سے ایک بس چلتی تھی سرکاری گاڑی چلتی تھی جو وہاں سے ہمارے کالج کے آگے سے نکل جاتی تھی نو بجے ایگزیکٹ ڈاٹ وہ نکلتی تھی وہ جب نکلتی تھی اور وہ ہمارے کالج میں ٹائم پہ پہنچاتی تھی تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بار جیسے ہم گاڑی میں چڑھے ایک لمبا سا کھلی جیسا بندہ ساڑھے چھ سات فیٹ کا بندہ آ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا وہ جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا تو کنڈکٹر نے کہا ہیلو ٹکٹ اس نے کہا رشید ٹکٹ نہیں دیتا اب اس نے کہا استاد تھوڑا سا سائز میں گٹھا سا تھا اس نے دیکھا اس نے کہا چھوڑو 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 آج اگلے دن بھی وہ آ کے ایگزیکٹ نو بجے وہ گاڑی میں بیٹھا اس نے پھر پوچھا رشید صاحب ٹکٹ کے پیسے اس نے کہا رشید ٹکٹ نہیں لیتا اب بڑا وہ کلس گیا کہ وہ کہتا تو چاہ کہ میں اس کو مزہ چکھاؤں لیکن وہ چھوٹا سا ہائٹ میں تھا اب وہ جب چائے وائے پینے جہاں پہ یارڈ میں گاڑی لے کے جاتا تھا تو دوستوں نے اس کو بولا ڈرائیور کو یار تم آج کل بڑے ٹینس لگ رہے ہو کہا ایک بندہ ہے وہ چھ سات فیٹ کا ہے روز آ کے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور پیسے نہیں دیتا ہے ٹکٹ کے تو اس نے کہا بھائی چھوٹے ووٹے سے کچھ نہیں ہوتا تمہیں پتا ہے یونیورسٹی میں آج گاندھی بھون میں وہ آیا ہے وہ کراٹے کا تمہیں پتا ہے بروس لی جیسا پانچ فٹ کا بندہ بھی چھ فٹ والے بندے کو دھول چٹا سکتا ہے تو اس دماغ میں اس میں آ گیا یہ بھی وہاں چلا گیا اس نے وہاں پہ جا کے وہاں کیا کیا اس نے وہاں پہ فیس بھرا کیونکہ اس کو بدلا لینا تھا اس سے رشید صاحب سے جو فرنٹ پہ بیٹھتے تھے چھ مہینے یہ کرتا رہا وہاں گھر میں دودھ کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن اس نے وہاں رجسٹریشن کی اور صبح پانچ بجے جا کے وہاں پہ کراٹے سیکھ رہا تھا اس میں کراٹے سیکھنے سے اس کا یہ ہوا کہ
वो जब सीख के आ गया उसने उसको कहा, कंडक्टर को कहा, आज कंडक्टर को कहा बस आज आप इसको कर देना आज। उसको पूछता रशीद साहब पैसे क्यों नहीं देते, तो उसने जब पूछा रशीद साहब 6 महीने हो गए आज मैं पूछता हूं क्यों नहीं देते हो पैसे, उसने कार्ड निकाला, उसने कहा देखिए मैं आपके SRTC का मैनेजर हूं, हमें कार्ड मिलता है, टिकट नहीं लेनी होती। वो बाल नोच गया, मेरे इतने पैसे भी गए। सो आज क्वेश्चंस बच्चों को भी सिखाइए क्वेश्चन करना, वाई क्यों नहीं, ऐसा क्यों, अगर ये नहीं सिखाएंगे तो वही, वरना हम भी जिंदगी में बाल नोचते रहेंगे। और अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए, तब तक गुड मॉर्निंग J&K, गॉड ब्लेस। गुड मॉर्निंग एजुकेशन के इस इंफॉर्मेटिव सेगमेंट के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद अफशाना मैम। और मैम आपके लिए कुछ कमेंट्स आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं आपके, नाजिमा का कमेंट है, ये हमारी खुशबख्ती और हमारे लिए फख्र की बात है जिनकी वजह से हम वहाँ है वहाँ तक पहुँचे, वो आज बहसत मेहमान उस जगह की जीनत बढ़ा रही है, हमारा सलाम कबूल करें। माविन परवेज ने लिखा है इकरा के लिए, इकरा ने अभी कमेंट नहीं किया है अपनी मैम के लिए कुछ, ये भी अच्छी बात है। और भी बहुत सारा प्यार है, मोहम्मद अशरफ लिखते हैं, ऐसा है SR शारिक, फारूक वानी, माविन परवेज, जुबैर अहमद शाह, लोन गुलजार लिखते हैं, नुमान लिखते हैं, आफाक लोन, फारूक अहमद नौबुक, सभी ने मैम आपके लिए तारीफें लिखी है, तहसीन की हुई है। तो ये इस प्रोग्राम का सिलसिला ही ऐसा कि मेहमान हमेशा हमारी जीनत ही रहती है। तो प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार करेंगे फिर हम बात जो हमारे आज के मेहमान है डॉक्टर सैयद अफशाना से, एसोसिएट प्रोफेसर MERC कश्मीर यूनिवर्सिटी। वाडियो नावर ज्वेलरी दुकान, यू आर ज्वेलर्स द प्राइड ऑफ शहरी खास, लेकिन मिलावट वरई सोन बेहतरीन डिजाइन में दस्तियाब छू, खास कर मुनासिब कुमतस पे तशरीफ अनियो यू आर ज्वेलर्स, कड़ी कदल सराब कदल नालेमा रोड श्रीनगर, सेल नंबर 9541176450। वेलकम बैक एक बार फिर मैम। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रिसर्च की, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने मोजो की बात की, आपने सिटीजन जर्नलिज्म की बात की, ये सारे प्रोज हैं और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, लेकिन एक पहले ज़माने में क्वालिटी चेक होता था, क्रेडिबिलिटी वर्थ चेक होती थी न्यूज़ की, लेकिन आज के ज़माने में वो इफेक्ट हो गई है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ये चीज़ करते हैं कि एग्जैजरेट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, या सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हैं जिसको टेक्निकली येलो जर्नलिज्म हम कहते हैं जी जी। तो क्या TRP के लिए या रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या ये सही है, किस हद तक सही है एथिकली? जी एथिकली तो बिग नो, बिल्कुल नहीं ये सही है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑफ लेट हम देख रहे हैं। आपने जैसे कहा कि एक टाइम था कि एक क्वालिटी चेक हुआ करता था, और ये देखा जाता था कि चाहे आप न्यूज़ बहुत देर से दे लेकिन वो न्यूज़ सही न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्पीड जो है, स्पीड जो एक है एक एलिमेंट बन गया है कि हम होने चाहिए पहले जो न्यूज़ ब्रेक करे, उस रेस में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। स्पीड किल्स, इट किल्स द न्यूज़ आल्सो। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी न्यूज़ जो है, जो उसका एक्चुअल एक्यूरेट वर्जन होता है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचता है, हो जाता है ये कि वो ओपिनियटेड बन जाता है। अब हम आजकल ये भी कह रहे हैं कि हमारे न्यूज़पेपर्स नहीं बन रहे हैं, वो व्यूज़ पेपर्स बन गए हैं। इसी तरह हमारे जो चैनल्स हैं वो न्यूज़ नहीं, वो व्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो सारी जगहों पे हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़ का जो पोर्शन है, जो परसेंटेज है, वो कम हो रहा है, और व्यूज जो है, जो आपकी राय है, जो आपकी ओपिनियन है, जो आपकी जजमेंट्स हैं, वो ज्यादा आ रही हैं। और शायद ये एक डिक्लाइन है जिसकी वजह से फेक न्यूज जैसा एक फिनोमिनन जो है वो अब सामने आ रहा है। एक टाइम था कि न्यूज जो होती थी वो मानी जाती थी इस अल्टीमेट इस ट्रूथ, तो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ तो नहीं है लेकिन एक रिलेटिव ट्रूथ है। लेकिन अब ये जो टर्म है फेक न्यूज, ये खुद एक काफी आयरोनिकल टर्म है, यानी कि आप कह रहे हैं कि न्यूज है लेकिन फेक न्यूज है। न्यूज तो कभी फेक हो ही नहीं सकती, दिस इज वन। देन हम अब आजकल बात करें कि हम पोस्ट ट्रूथ इरा में रह रहे हैं। पोस्ट ट्रूथ इरा में ये है कि सच तब तक सच है जब आप रिपीटेडली इसको बोलेंगे, और वो रिपीटेडली जो भी कुछ आप बोलेंगे जरूरी नहीं कि वो सच हो, यानी कि जब किसी चीज की बात बहुत
देर तक की जाती है, कॉन्टिन्यूसली की जाती है, वो फिर सच बन जाता है। तो हम इस पोस्ट ट्रूथ इरा में रह रहे हैं और जहां हम टीआरपी इसके बारे में देख रहे हैं कि कितना ज्यादा मैकेनिज्म, एक पूरे इस मैकेनिज्म को किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो उससे ये भी हुआ है कि लोगों का भरोसा जो है जर्नलिज्म पे, न्यूज पे जो वो देख रहे हैं वो कम होता जा रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो चिप इन हो रहा है। लोगों का लगता है कि सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड नहीं है, वो हमें अच्छी न्यूज देगा। और सिटीजन जर्नलिज्म का एक ऑफशूट भी अब आ गया है, उसकी एक सब कैटेगरी है जो कि काफी पॉपुलर होती जा रही है, जिसको हम हाइपर लोकल जर्नलिज्म कहते हैं। हाइपर लोकल जर्नलिज्म में ये है कि यही सिटीजन जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो किसी कम्युनिटी में होते, किसी लोकल एरिया में होते, वो अपने लोकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, वो अपने रियल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। वो ये समझते हैं चूंकि एक मेन स्ट्रीम या एक बहुत बड़ा मीडिया जो है वो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है पॉलिटिक्स के साथ, मैनिपुलेशन के साथ, ओपिनियटेड फेक न्यूज के साथ, एग्जैजरेशन के साथ। हमें इस सबसे क्या करना है, हमारे जो मसले हैं हमें वो खुद अब उसके बारे में बात करनी चाहिए। और हाइपर लोकल वेबसाइट्स काफी बाहर अब्रॉड पॉपुलर होती जा रही है, हाइपर लोकल रेडियो स्टेशंस, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स, वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां कोई भी नहीं होता, कोई गेट कीपिंग नहीं होती है। गेट कीपिंग इसमें भी एक मसला है कि कुछ लोग कहते हैं गेट कीपिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपका अखबार है, इसमें एक एडिटर है, आप एज ए रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका रिपोर्ट थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोसेस जाता है। वहां पे कुछ लोग हैं जो देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, फैक्चुअलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, तब जाके ये ऑडियंस तक पहुंचता है। लेकिन आपका जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इट्स फ्री फॉर ऑल, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं एज ए सिटीजन जर्नलिस्ट, आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, देयर इज नो गेट कीपिंग अनलेस देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑफिशियल। आपने बहुत वजह फरमाया, योतस तान हदूद तो कयूद हर कुन चीजस आसन, एतदाल हर कुन चीजस आसन, चाहे सो जर्नलिज्म, चाहे जिंदगी ऐसन, चाहे खेन चेन कैज ऐसन, इसलिए बहुत जरूरी है। ये एक नुक्ता था जिसमें इमरान भाई ने पूछा येलो जर्नलिज्म वगैरह, एक नुक्ता मैं जो पूछना चाहूंगा आपसे बात कर बड़ा असर हो रहा है, मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप इनके स्टूडेंट, मतलब टीचर रह चुके, आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, तो एक लाइटर नोट पे मैं पहनना चाहूंगा, क्या इमरान वहां भी ऐसे बातें करता था कि बस चुप रहते थे आपसे सवाल वगैरह करते थे? He was very active and he used to pass say many of the things. क्या बात है, अब असल बात जो मैं आपसे जानना चाहता था वो ये कि जो हमारी मस्तुराते हैं या वुमेन्स इन द जर्नलिज्म है, उनका क्या रोल, तिमन क्या सेच है? आज इस विषय सानी बेनी ये नाजमा छे, इकरा छे वगैरह छे, उनकी अच्छी खासी बात है यहाँ पर, लेकिन असल रुझान प्रैक्टिकली जमीनी सतह पे विकस कह तब्दीली आम पत्म दहन पंद्रह वर्यन मे तुम वो तिंद से या तिंद रोल जर्नलिज्म? बिल्कुल, इस विकस वचान सो पज पे पॉजिटिव पिक्चर, अस बसान कि दिस इज बेटर, मगर अगर इस के स्टडीज करो, तिंद जिक्र करो, तेल विकस तिशन तिथ हालात ठीक सही कह। आई रिमेंबर कि 1980s मे मेरा देर इज दिस प्रोफेसर सिटी यूनिवर्सिटी लंडन मे सुजान फ्रैंक्स, सुजान फ्रैंकन काम कर रिसर्च कर्मच वीमेन एंड जर्नलिज्म मुतलिक, तो तम से कह किताब त लिखम सो बीबीसी मे करंट अफेयर्स न्यूज एडिटर प्रोग्राम कर, तो तम सम करम राइटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी फॉर जर्नलिज्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले तमन तरह सराहना करम तमन सम कोलैब कर तम सुन वन कि अगर विकस वक्त मे करो अत पे कत कि वीमेन जर्नलिज्म तिंद प्रजेंस कर्जा मौजूदगी विजिबिलिटी कर्जा है असा पॉजिटिव पिक्चर बसान हार्टन वी गेट वेरी इट्स वेरी हार्टनिंग एक प्लेजेंट एक पिक्चर बट बिल्कुल मगर पे सो फैक्ट्स एंड फिगर्स हज कत कर पे सो वन अगर 1980s हज कत करो 1980s सोन मुल्क हज कत कर अगर इंडिया कत करो 1980s मह टाइम या बासो कि अगर फीमेल ऑडियंस केटर कर तमन वातन ते लिहाजा पजन फीमेल जर्नलिस्ट इंट्रोड्यूस कर तमन दोन क्या आ फीमेल जर्नलिस्ट ज्यादा खुद ज्यादा लाइफ स्टाइल स्टोरीज कर तम सॉफ्ट स्टफ तम कर या तम फीचर्स कर तमन वन हार्ड न्यूज हूँ तुम ज्यादा कर तो बेस कि तुम हा
اپیل کرن فیمیل آڈینسز مگر تن بیس یہ کہ شام لیٹ نائٹ آورز ورکنگ آورز تم مزہ تم زیادہ دن کم کرنے کی مگر سچویشن کچھ ون چینج گم آج وچو تھی کہ آج سانے فیمیل جرنلسٹ رپورٹرز وار فرنٹیئرز کانفلکٹ حال ہی میں کچھ کو اعزاز تھی ملان مگر یہ ہک جرنلائزیشن ست ونکس تیس وچان کہ فیمیل جرنلسٹن واحد میڈیا آرگنائزیشن مجھ پور آمت اخ رول ان سیڈ ان ڈکلیئرڈ ان اناؤنس کہ یہ ہکن زیادہ فیمیل رپورٹرس کم کرت اسپیشلی ان کشمیر دیر آر سرٹن آرگنائزیشن وچ ڈونٹ ڈیلیبریٹلی انکریج فیمیل جرنلسٹ ورک ان دیر میڈیا آرگنائزیشن مطلب آئی ریمبر مے پی جی کور وی جسٹ تھری آر فور گرلز اسٹوڈنٹس ماس کامس مز تم پہ گو رائز آج دہ کہ بہ اچھا رول ہوتا ہے پتہ تم نیران مگر میجورٹی آف دم دہ مز آن توتی شی سات یم بدل جاب شفٹ جاب تم بدل کھانا لائن نوان یا دے سٹاپ پرسیوئنگ دیئر کیریئرز مگر تری ٹور پرسیو کران بٹ اگر تھی بوجھ تہند نیریٹوز تہند نیریٹوز کہ تم کم ڈفکلٹی فیلڈس تیز داد بداد سو دیر از ایون ان جائن میڈیا آرگنائزیشن ان انڈیا وی ہیو سرٹن میڈیا آرگنائزیشن یہ اک سیپریٹ ٹوائلٹ فار فیمیلز سو دیٹ از دا اندر کائنڈ آف پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ کہ ہراسمنٹ تک گسان تیوتہ ڈیولپ گومت کی بیاکھ اکھ چیز صرف وچھا پارٹیسپیشن آف فیمیلز مگر تھی وچھتو کہ ریپرزنٹیشن آف فیمیلز کچھ اصلی یہ ترین فیمیل سورسز کتنا سٹوریز مز آسان تھی سٹوری کران جورنگ پینڈیمک آئی اکھ سٹڈی کرن رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اکھ آرگنائزیشن انٹرنیشنل آرگنائزیشن تمو کر سٹڈی تمو وچھ ویمن وزبلٹی کچھ سٹوریز مز پینڈیمکس مز ساری سٹوری میجورٹی آف دا سٹوریز تھرو آؤٹ دا ورلڈ گئی تک مز فیمیلن ہند مینشن آسان زیادہ کہین فیمیلز تہ بنے وکٹم آف پینڈیمک واریاہ کیجویلٹیز تہ گئی واریاہ ویمن دے فیل ٹو دس ڈیزیز مگر تہ کوتاہ تھی وچھو سورسز کا فیمیل ڈاکٹرز کتہ آئی کوٹ کرن فیمیل پیشنٹس کتہ آئی کوٹ کرن فیمیل اٹینڈنٹس کتہ آئی کوٹ کرن سو فیمیل سورس سچ مسنگ دیٹ از آلسو مسنگ فیمیل ایکسپرٹس مسنگ سو وی شوڈ ناٹ اونلی کنفائن دا ویمن visibility only about reporting women as a journalist but the women as a source women as an expert جیسے کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ قائم اگر آپ کو جرنلزم میں اصل رنگ بھرنا ہے تو وہاں ان کی سے وہاں ان کی پریزنس وہاں ان کی رپورٹنگ کو ہمیں بڑھانا چاہیے میں تو یہ کہوں گی ایک فیمیل پرسپیکٹو جو ہے وہ مسنگ ہے سارے جرنلزم ایک اور چیز ایک اور نقطہ جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے اس تسلسل کو میں نے یہاں روکنے کی جسارت کی جی آپ لکھتے ہیں اخباروں میں میگزینز وغیرہ میں اس حوالے سے ہم نے ابھی بات نہیں کی اس پہ تھوڑی سی تفصیل چاہیے وہ بیکاز بہت سارے لوگ ایسے جو انفلوئنسڈ آپ کی جی لکھنے سے جو پڑھتے ہیں لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ماس کام جوائن کرنے سے بہت پہلے تھا کہاں کہاں لکھتے ہیں کن میگزینز میں نے آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ وین آئی واز ان مائی پلس ٹو کلاسز تو ان دنوں میں نے اسٹارٹ کیا پھر جب میں کالج میں آئی واز سائنس تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سائنس میں غلط تھی آپ یہاں ٹھیک تھی جی بالکل اور می بی دیٹ واز ون آف دا ریزنز کہ آئی شفٹڈ ٹو سوشل سائنسز پھر جب میں گریجویشن کر رہی تھی کالج میں ان دنوں بہت زیادہ لکھا تو اس سے بھی ایک شاید ایک نوشن آ گیا کہ رائٹنگ از سم تھنگ وچ آئی کین پرسو ایز اے کریئر تو اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا آئی ڈو رائٹ فار سم نیشنل میگزینز آئی رائٹ فار دا لوکل ڈیلی ہیئر ایز اے ریگولر کالمنسٹ اینڈ آئی ہیو آلسو ریٹن سم بکس آئی ہیو ریٹن اے بک آف پومس دا فجیٹو سن شائن تو اور بھی ایک دو کتابوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے تو دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز گون آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز ہوتے ہیں مطلب تحقیق کے بغیر آگو تحقیق یہ وہ فارمولی تو کرن ایسے کیا ضرورت سوسائٹی وغیرہ پھر ڈاکٹر سعیدہ افشانہ خود کے مطلب ایک من ہوتا ہے ایک دل ہوتا ہے تو کن چیزوں کن موضوعات پہ آپ لکھنا پسند کرتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو صرف پوئٹری لکھوں گی تو لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے آئی ایم ٹو انکلائنڈ ٹوورڈز رائٹنگ پوئٹری لیکن آئی ڈونٹ رائٹ مچ آف دا پوئٹری تو لیکن اگر
पूछा जाए तो वो कर लूंगी. प्रोज में ये है कि अदर देन द एकेडमिक राइटिंग देयर आर डिफरेंट थीम्स जो आप देखते हैं, जो आप ऑब्जर्व करते हैं, आपकी इंटरेक्शंस होती है, आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स होती है, आप उसके बारे में लिखते हैं. मैम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हम हैं और जाते जाते एक सवाल मेरे जहन में है कंटेंट क्रिएटर्स के रिलेटेड. कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्या लाइक्स और वेव्स कंटेंट को बेहतर साबित करते हैं या ये एक टाइमली फेम है? मुख्तसर आपका जवाब चाहिए. मैंने इस पे बहुत टाइम होना चाहिए बताने के लिए सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये किस तरह बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है. लेकिन जहाँ बात हो रही है लाइक्स की, शेयर्स की, दैट इज नो वे अ साइन ऑफ गुड कंटेंट. क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके यूजर जो है वो कितना टाइम देते हैं आपके कंटेंट को प्रोसेस करने में. अभी आपने अपलोड कुछ नहीं किया होता कि उसमें 10 लाइक्स आते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स किसी ने कैसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की और देखा कैसे और कैसे उसका फिर उसको रिव्यू किया. सो it is a game of likes, it's a game of very short cut to popularity, but it doesn't in any way justify or endorse the quality of the content. Content creation ke liye aapke paas khud pehle bahut time hona chahiye, and then the people who are processing and who are previewing your stuff, they too should be very serious users. shukriya bahut bahut shukrguzar aapka ki aap waqt bahut hona chahiye aisa mauzu hai jis pe bahut sari baat inshallah fir kabhi hum koshish karenge. aaj ke liye aapka puri team ki taraf se hum bahut bahut shukrguzar hain. nazreen hame ummeed hai ki aapko aaj ka jo ye guftugu thi ye pasand aayi hogi, inshallah isse hum istifada bhi karenge. dekhte rahiye program good morning jain.